आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में इंडियन लाइफस्टाइल चैनल में। तो आज हम बताने जा रहे हैं लाल किताब के अनुसार ऋण कैसा होता है। तो पत्नी या पुत्री का ऋण है अगर आपके ऊपर तो करें ये उपाय, वरना नहीं होगी कभी तरक्की। आपने पितृ ऋण या पितृ दोष के बारे में सुना होगा, लेकिन लाल किताब के अनुसार और भी कई तरह के ऋण और दोष होते हैं, जैसे पूर्वजों का ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, संबंधी ऋण, कुदरती ऋण, अजन्मा ऋण, जालिमाना ऋण, पत्नी ऋण और पुत्री ऋण। तो आइए जानते हैं कि आपकी कहीं आपकी कुंडली में तो यह ऋण नहीं है, पत्नी या पुत्री का ऋण। जानिए लक्षण, कारण और संकेत और निवारण। पत्नी ऋण का लक्षण, यदि आपकी कुंडली में पत्नी ऋण है तो इसके क्या लक्षण होंगे। लाल किताब के अनुसार जब सूर्य, चंद्र या राहु कुंडली के दूसरे अथवा सातवें खाने में हो तो ऐसे जातक को पत्नी या स्त्री ऋण से ग्रसित माना जाता है। तो आपकी ग्रह स्थिति आप एक बार देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी राशि में पत्नी ऋण है या नहीं। पत्नी ऋण का कारण और संकेत, कहते हैं कि पत्नी ऋण का कारण यह हो सकता है कि आपके पूर्वज या बड़े बुजुर्गों ने किसी लोभ या स्वार्थ के कारण किसी गर्भवती महिला की हत्या कर दी होगी या उसे किसी भी प्रकार का मानसिक त्रास दिया होगा। इसका संकेत यह माना जा सकता है कि घर में ऐसे जानवर पाल रखे होंगे जो दांत वाले हों और मांसाहारी हों, अथवा ऐसे जानवर जो समूह में न रहते हों। यह भी कि आपका व्यवहार घर की महिलाओं के प्रति खराब हो, ये सभी संकेत यह है कि आपके ऊपर पत्नी ऋण हो सकता है। पत्नी ऋण से मुक्ति का उपाय, ग्रह स्थिति और इन सभी कारणों को देखते हुए आप जान लें कि आपके कुंडली में पत्नी ऋण है या नहीं। यदि है तो इससे मुक्त होने के लिए हमें क्या उपाय करने पड़ेंगे यह हम जान लेते हैं। पहला उपाय हमें करना होगा कि अपने सभी रक्त संबंधियों से बराबर बराबर मात्रा में पैसे लेकर उससे एक ही दिन में 100 गायों को स्वादिष्ट चारा खिलाएं। दूसरा उपाय यह है कि माता दुर्गा और माता काली के मंदिर में जाकर उनसे क्षमा मांगते हुए उन्हें चुनरी अर्पित करें और खीर का भोग लगाएं। यह उपाय आपको करने होंगे। पुत्री ऋण, अब हमने पत्नी ऋण के बारे में जान लिया, पुत्री ऋण के बारे में जानेंगे कि इसके लक्षण क्या है। लाल किताब के अनुसार जब चंद्रमा कुंडली के तीसरे या छठे खाने में स्थित हो तो जातक को पुत्री ऋण से पीड़ित माना जाता है। इसका उपाय करना चाहिए, तो कुंडली आप देख लें कि आपके छठे खाने में और ये जो स्थिति बताई गई है ये आपके कुंडली में है या नहीं। पुत्री ऋण का कारण और संकेत, लाल किताब की मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि आपके पूर्वज या पितरों के द्वारा किसी की बहन या बेटी की हत्या की गई होगी या उन्हें किसी भी प्रकार से सताया गया होगा। इसका संकेत यह है कि यदि आप खोए हुए बच्चों को सता रहे हैं या उनसे लाभ कमाने का प्रयास कर रहे हैं अथवा बच्चों को सता रहे हैं, ये सब कारण अगर आपने करे हैं तो आपको पुत्री ऋण हो सकता है। पुत्री ऋण अगर है तो इसका क्या उपाय करना है, चलिए जानते हैं। पहला उपाय यह करना है कि सारे सगे संबंधियों से पीले रंग की कौड़ियां खरीद कर एक जगह इकट्ठी करके जलाकर राख कर दें और उस राख को उसी दिन नदी में बहा दें। दूसरा उपाय यह है कि 9 गरीब कन्याओं को घर बुलाकर उनकी पूजा करें, उन्हें भोजन कराएं और चुनरी एवं दक्षिणा देकर विदा करें। यह उपाय आपको करने होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।